जय श्री नामदेव जी महाराज। आज का 41वां अध्याय भक्त जी पंजाब के भूतविंड में। भक्त नामदेव जी यात्रा करते हुए पंजाब में जिला अमृतसर के गांव भूतविंड में आ गई। उस समय गांव में अडोली नामक विधवा औरत और उसका पुत्र भक्त जी के श्रद्धालु बन गए। भक्त जी को भी उस बच्चे के साथ बहुत प्यार हो गया। एक रात्रि बच्चे के पेट में दर्द होने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता भक्त जी के आगे बहुत विलाप करने लगी कि भक्त जी, मेरे बालक को जीवित कर दो, उसको मैं आपको अर्पण कर दूंगी। भक्त जी ने बच्चे के शरीर पर हाथ फेरा और वह उठकर बैठ गया। उसकी माँ अति प्रसन्न हुई। भक्त जी ने कहा, यह हमें फिर मिला है, इसलिए इसका नाम बहुर दास रख देते हैं। भूतविंड में भी भक्त जी का यादगारी स्थान है। भूतविंड में से भक्त जी जिला गुरदासपुर के गांव मरड़ चले गए और वहां भी सत्य का उपदेश देते रहे। यहां पर भी भक्त जी का शानदार गुरुद्वारा है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को भारी मेला लगता है। मरड़ से भक्त जी इसी जिले के गांव भट्टीवाल पहुंचे। वहां पानी जमीन में बहुत गहराई में था। सेवकों के कहने पर भक्त जी ने एक स्थान खोदने के लिए कहा। जब वहां गहरा गड्ढा खोदा गया तो वहां से निर्मल जल निकल गया आया। इसी स्थान पर भक्त जी ने कुआं और एक सरोवर बनवाया, जो आज भी है, नामयाना के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भक्त जी को जलो नामक एक सेवक बन गया, जो हर समय भक्त जी की सेवा में रहने लगा। इस प्रकार आज का 41वां अध्याय यही समाप्त हुआ, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार नामदेव जी ने एक बच्चे को जीवित कर दिया और किस प्रकार भट्टीवाल में जमीन से पानी निकाल दिया। इस प्रकार आज का 41वां अध्याय यही समाप्त हुआ। जय श्री नामदेव जी महाराज। जय श्री विष्णु।